नमस्कार, मैं भावना सोनी, आप देख रहे हैं आवाज डेली एची टीवी। अभी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर पोटका के पुटलुपुंग से बड़ी खबर आ रही है, मुझे रोजगार चाहिए, ये कहना है प्रवासी मजदूरों का, जो लॉकडाउन में उड़ीसा के तितलागढ़ में एलएनटी कंपनी में कार्य कर रहे थे, जो अभी बेकार बैठे हुए हैं। लॉकडाउन में घर वापस होने के बाद अब तक रोजगार नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण मजदूर काफी चिंतित है। आइए दिखाते हैं आपको इन मजदूरों की दास्तां। कोरोना के बढ़ते प्रसार को लेकर देश में अचानक लॉकडाउन हुआ। पलायन किए मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान तक लौटने लगे। इसी बीच झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के पोटका पुटलुपुंग में भी उड़ीसा के तितलागढ़ में काम कर रहे एक दर्जन से अधिक मजदूर गांव पैदल ही लौट गए। लौटने के बाद करीबन एक महीने तक गांव के बाहर स्कूल में ठहरा दिया गया, माता पिता से भी मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद इन्हें आश्वासन मिला था कि गांव में ही रोजगार मिल पाएगा। इसी आशा में आज मजदूर आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब इन्हें रोजगार गांव में मिल पाएगा, जिससे अपने गांव में रहकर ही रोजी रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। मगर आज घर लौटे महीनों बीत चुके हैं, इन्हें आज तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण इन प्रवासी मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। लेकिन क्या करेंगे, मैं काम कर रहे थे तो लॉकडाउन अचानक लग गया, मतलब कुछ ना मालूम नहीं था। पैदल आए, आके स्कूल में रखा एक महीना, क्योंकि गांव में बोले वायरस बोल के, कोरोना वायरस, एक सप्ताह गांव में रख दिया। उसके बाद घर आए और घर से आके तो काम रोजगार तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी फालतू घूम रहा है। अगर रोजगार हम लोग को चाहिए, हाँ, रोजगार मिले तो कोई पहल हुआ रोजगार के लिए? नहीं तो काम करना चाहते हैं। हाँ, हम लोग कर रहे हैं रोजगार। अलग अलग प्रदेश में झारखंड के बाहर जितने भी मजदूर काम पे गए हुए थे लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना काल में सरकार और अलग अलग संस्थाओं के प्रयास से लाया गया था, और हेमंत सरकार ने वादा भी किया था कि जितना भी प्रवासी मजदूर हैं अपने झारखंड आएंगे तो सबको रोजगार दिलाएंगे, सबको काम दिलाएंगे, और जो भी है सरकार से अच्छा अच्छा अच्छे जगह में काम दिलाएंगे। लेकिन सरकार से चूक हुई है इस मामले में, सरकार अपने वादा सारे वादे भूल गए हैं, और हेमंत सरकार इस मामले में हर तरह से फेल है। लोग बेरोजगार हैं, और अभी तक वो लोग जहाँ काम किया था वहाँ बहुत सारे लोग पलायन भी और कर रहे हैं, जबकि जिस आशा से वो लोग आया हुआ था वो आशा ही पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करेगा। इसलिए हम लोग सरकार से और यहाँ के पदाधिकारी से सुबह से हम लोग गुजारिश करते हैं कि जितना भी प्रवासी मजदूर है वो लोग को ध्यान दिया जाए और काम पे उसको लगाया जाए कहीं ना कहीं। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए हजारीबाग जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। उपायुक्त हजारीबाग ने शीतलहर से बचाव के उपायों को अमल में लाने की लोगों से अपील की है। झारखंड राज्य में सर्दी ने तेजी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार जो है मौसम में नमी आ रही है, मौसम में गिरावट आ रही है, और इसके साथ ही ठंड और शीतलहर जो है बढ़ते जा रहे हैं। इससे मौसम भी अपने शबाब में है, और लगातार जो है वो झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड बढ़ती ही जा रही है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, राजधानी रांची के काके में न्यूनतम तापमान 4.4 सेल्सियस जो है वो दर्ज किया है, और इसके साथ ही जो मौसम विभाग के अधिकारी है उनका कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों में फिर जो है वो मौसम में इसी तरह से गिरावट आती रहेगी। और इसके साथ ही अब बताया जा रहा है कि अब ठंड और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर अगर हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जिला उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने लोगों से भी यह अपील की है कि इस ठंड में बचे, और शीतलहर को लेकर जिला आपदा प्रबंधन
प्राधिकार को लेकर जो है उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए ठंड से बचने के लिए और इस ठंड में सहायता के लिए कंपोजिट कंट्रोल रूम को लेकर नंबर भी जारी कर दिया है। जैसा कि हजारीबाग के लिए जो नंबर जारी किया गया है वो है 0-65-46-26-41-59 या फिर 0-65-46-26-52-33। इन दोनों नंबरों को जो है वो ठंड से निजात ठंड के दौरान जो मुश्किलें आ रही हैं उनसे निपटने के लिए यह नंबर जारी किया गया है। और लगातार उपायुक्त के द्वारा लोगों से यह अपील की जा रही है कि जितना ज़्यादा हो सके यह ठंड से बचे और एहतियात के तौर पर जो है अगर किसी कारणवश आप घर से निकलते हैं तो पूरे तरीके से स्वेटर, मफलर, टोपी का प्रयोग करें, दस्तानों का भी प्रयोग करें। अगर बात की जाए, अभी की बात की जाए तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और दोपहर के समय में धूप भी निकली हुई है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण जो है वो लोगों को ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सुबह की तो सुबह में कोहरे से पूरा शहर घिरा होता है और ठंड जो होती है वो जो है अपने आप में जो है एक अलग ठंड होती है जिससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि दिन में थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलती है 11 से 2 के बीच में, लेकिन जैसे ही 2 के बाद समय चेंज होता है फिर से ठंड वैसे ही बढ़ जाती है और शाम होते होते ठंड जो है अपने पूरे शबाब में होती है और इससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हालाँकि अगर बात की जाए बाज़ारों की तो पूरे झारखंड राज्य में जो है वो गर्म कपड़ों की बिक्री खूब बढ़ गई है। लोग जो है अपने बच्चों के और बड़े लोग भी जो है वो गर्म कपड़ों की ज़्यादा खरीदारी कर रही है। ऐसे में आवाज़ डेली हर्षित टीवी भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि ठंड से बचें और एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से एहतियात जो है वो जितने भी जो इसे लेकर एहतियात बरतने के उपाय हैं वो आप फुलफिल करें और ज़्यादा कोशिश करें कि घरों में रहें शाम के समय में और मॉर्निंग के समय में जो है वो घरों में रहें। कि अगर कुछ काम है तो वो दिन में आप जरूर निकलें, लेकिन जो यह ठंड है इस ठंड में बचने की लगातार डॉक्टर्स भी और एक्सपर्ट्स भी जो मौसम विभाग की ओर से या फिर अगर उपायुक्त की बात की जाए तो उपायुक्त भी लोगों से यह अपील लगातार करते आ रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ फलक शमीम, आवाज डेली, HETV हजारीबाग। बचरा पंचायत सचिवालय में भाजपा पिपरावार मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। कार्यक्रम में चतरा जिला प्रभारी विनोद बिहार सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी सिद्धांत के बारे में जानकारी दी, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में भी बताया। बचरा पंचायत सचिवालय में भाजपा पिपरावार मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में चतरा जिला प्रभारी विनोद बिहारी सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी सिद्धांत के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। भाजपा पिपरवार मंडल अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। पिपरवार से मासूम अंसारी की रिपोर्ट। यहाँ पर पिपरवार मंडल में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ता का प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। हम ऐसे आपको झारखंड की तरफ से चतरा जिला के प्रभारी हैं, मेरा नाम विपिन बिहारी सिंह है। प्रशिक्षण में क्या क्या बताया जा रहा है? प्रशिक्षण में हमारा वर्ग है झारखंड सरकार में, झारखंड में भाजपा सरकार की उपलब्धि, उसी के बारे में हम यहाँ आए वर्ग लेने के लिए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। इंडोफार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल, तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं एक ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आएं ऋषभ एंटरप्राइजेस हजारीबाग, बगोदर मार्ग 3 नंबर थाना के पास। कश्मीरी उलेन एवं कंबल घर, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गर्म कपड़े मिलते हैं, लेडीज स्वेटर, शॉल, स्टॉल, जैकेट, कार्डिगन, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी एवं बच्चे
बच्चों के लिए जैकेट, स्वेटर, गरम बाबा सूट एवं कंबल के विशेष रेंज उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जयपुरी रजाई के हर डिजाइन उपलब्ध हैं। तो जल्द आए, जल्द पाए, इस मौके का लाभ उठाएं। हमारा पता याद रखें, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग, मेहर मार्ट, हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गार्मेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद है। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच बंसीलाल चौक, सेकंड ब्रांच झिझरिया पुल, गोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 9835584844। जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार, जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोडरमा समरणालय सभागार में उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस वार्ता कर सरकारी योजनाओं की मौजूदा स्थिति और कोविड टीका को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेकर चर्चा की। उपायुक्त घोलप ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। समरणालय सभागार में उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस वार्ता कर सरकारी योजनाओं की मौजूदा स्थिति और कोविड टीका को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेकर चर्चा किया। उपायुक्त श्री घोलप ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने बताया, मनरेगा में निर्धारित मानव दिवस लक्ष्य 16.28 लाख के विरुद्ध 17.30 लाख मानव दिवस सृजन में कोडरमा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। कोडरमा जिले के हर पंचायत में करीब 168 लोग मनरेगा में कार्य करने की बात कह रहे हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत सोक पीट में दूसरे स्थान पर, कंपोस्ट पीट में प्रथम स्थान पर एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में राज्य में प्रथम स्थान पर कोडरमा जिला है। उन्होंने जिले भर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की धरातल पर स्थिति के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 72% पीएम आवास का निर्माण भी करा लिया गया है। आवास निर्माण में कोडरमा राज्य में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कोडरमा में केवल 31 कोविड-19 के एक्टिव केस होने की बात कही और बताया कि 1,29,947 लोगों का सैंपल जांच किया गया है। इसी रमेश घोलप ने कहा कि टेस्ट करने के मामले में कोडरमा चौथे स्थान पर। उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर कोडरमा की तैयारी पूर्ण बताई। चरणों में आवासों का निर्माण हुआ है और उसका कम्प्लीशन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 72% आवास कंप्लीट हुए हैं और राज्य में हम लोग इसमें थर्ड नंबर पे हैं। तो इस साल भी जो आवास स्वीकृत हुए हैं, हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि ससमय इस पूर्ण कराना, जो फील्ड फंक्शनरीज है वो इसको इंश्योर करें। जो आंकड़ा है इसमें हम लोगों ने 1,29,947 सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं और इसमें हमारे यहाँ पे आज की तिथि में सिर्फ 31 एक्टिव केसेस हैं। टेस्ट पर मिलियन में हम लोग राज्य में चौथे नंबर पे हैं और अभी हमारे यहाँ पे
जो मोर्टैलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो हमारा राज्य से कम है, हमारा 0.83% कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मोर्टैलिटी रेट है। वैक्सीन कब तक आने की संभावना है? कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन? देखिए अभी मेनली जो डायरेक्शंस थे कि हमारे जो कोल्ड चेन पॉइंट है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 है, सदर अस्पताल में 2 है और सभी CSCs में 1 है, तो उसको फंक्शनल रखने की बात थी। हमारे 100% सुस्थिति में है, जो भी उसमें कुछ काम कराना था वो हम लोगों ने करवा के लिया है। और हमारे यहाँ पे कोरोना वैक्सीन के प्रिपेयरनेस को लेके हम लोगों ने पोटेंशियल जो वैक्सीनेटर्स थे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, उसका डाटा एंट्री किया है। जो बेसिक ट्रेनिंग होगा हम लोगों के टीम्स को, तो वो हम लोग विद इन 2 to 3 days इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेशन साइट भी आइडेंटिफाइड है हम लोगों के यहाँ पे, और जिस तरह से स्टेट से डायरेक्शन आएगा कितनी संख्या में वैक्सीन हमारे यहाँ पे आता है उसके अनुसार हम लोग सेशन साइट का चयन करेंगे। कुल मिला के हम लोगों का पूरी तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड है। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ दिए बिना ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्डधारियों से फिंगरप्रिंट लेकर ई पॉस मशीन से उठाव कर रहे हैं। कार्डधारी द्वारा पूछे जाने पर कि 2 बार फिंगरप्रिंट क्यों लिया जा रहा है, तो दुकानदार का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल आते ही आप सबको दे दिया जाएगा। जमशेदपुर जिले के पोटका प्रखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ दिए बिना ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कार्डधारियों से फिंगरप्रिंट लेकर ई पॉस मशीन से उठाव कर रहे हैं। कार्डधारी द्वारा पूछे जाने पर 2 बार फिंगरप्रिंट क्यों लिया जा रहा है, तो दुकानदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल आते ही आप सबों को दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल नवंबर 2020 तक देना था, मगर किसी कारण से अलॉटमेंट आने में विलंब हुई, जिसके कारण प्रति सदस्य 2.5 किलो चावल देने है। इस चावल का राशन दुकानदार उठाव कर रहे हैं, मगर कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल अब तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण कार्डधारियों में काफी रोष देखा जा रहा है। जमशेदपुर कोटका से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। इस चंद्र खंडोहर रहने वाले पुटलपुंक हैं, और हम लोगों का दिक्कत यही है, चावल जो इस बार दिया गया नवंबर का दिया गया और 2 बार पंचिंग करवाया, तो और एक ही बार चावल तो देवे किया, एक ही बार दिया, और पंचिंग जब हम लोग करते हैं उसका रसीद भी हम लोग के पास नहीं आता है, और रसीद मांगने पर रसीद लोग दे लेते हैं। आपको रसीद नहीं देता? नहीं, हमको रसीद नहीं मिलता, किसी को नहीं मिला है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो 2 बार जब करवाते हैं तो दोनों का चावल मिलना चाहिए, लेकिन वो क्यों 1 बार चावल दिया गया, यही मेरा बोलने का। ठीक, राशन लाने गए थे। अच्छा, लेकिन 1 महीना का इस बार 1 महीना का ही राशन दिया है चावल। अच्छा। और 2 बार पंचिंग करवाए। कहे करवाए? पता नहीं, वो बोल रहा फ्री वाला चावल मिलेगा आप लोग को, जब आएगा तब हम लोग देंगे, जनवरी में या कब जब आएगा तब हम लोग देंगे, लेकिन पंचिंग 2 बार करना होगा, 2 बार अगर नहीं कीजिएगा तो ये चावल भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग दर्ज कर दिया, पंचिंग कर दिया। और अच्छा, रसीद तो देता ही नहीं है, देने से भी अगर वो दे देता है तो उसका दलाल लोग है ना, तो वो लोग छीन लेता है रसीद सब। अच्छा। लेता है। इस महीना का चावल दिया? इस महीना का दिया, लेकिन 2 बार पंचिंग करवाया। कितना दिया चावल? का यूनिट हिसाब मतलब पर हेड 5 किलो। अच्छा। पिपरवार के सिमरिया के भाजपा विधायक किशुन दास ने पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बचरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक किशुन दास भाजपा पिपरवार मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए। पिपरवार सिमरिया के भाजपा विधायक किशुन दास ने शनिवार को पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बचरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। विधायक किशुन दास भाजपा पिपरवार मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने को लेकर कार्य करने की अपील भी की। वहीं पिपरवार दौरे पर आए भाजपा विधायक किशुन दास ने वर्तमान की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार का कार्य 1 साल पूरा होने वाला है,
इस एक साल में राज्य की जनता को निराशा ही हाथ लगा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के एक साल के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। पूरे राज्य में अपराधियों और उग्रवादियों का बोलबाला है। कानून व्यवस्था चौपट है और सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का काम कर रही है। पंचायत चुनाव, बालूघाट की नीलामी और धान क्रय को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला किया। वहीं बीती रात सीसीएल के तेतरिया खाड़ कोलियरी में हुए उग्रवादी घटना की निंदा करते हुए सरकार को इसका जिम्मेवार बताया। पिपरवार से मासूम अंसारी की रिपोर्ट। उसको तैयार किया जा रहा है कि कभी कभी होता है कार्यकर्ता विषय से हटके भी कोई बात रखने लगते हैं, इसीलिए समय समय पे पार्टी की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है ताकि उनको पार्टी के प्रति कर्तव्य बोध क्या है, उनका जो दायित्व है उस पर वह कैसे निर्वहन करें, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए। और अभी जिस तरह से पूरे देश में जो घटिया किस्म की विपक्ष की जो राजनीति हो रही है, उन मुद्दों को भी प्रशिक्षण के दरमियान हम लोग बताने का काम करते हैं ताकि कार्यकर्ता अपने सांगठनिक दृष्टिकोण से अपने कर्तव्यों को भली भांति समझ सके। पहले भी मंडल स्तर पे, पंचायत स्तर पे हुआ करता था। विगत कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब पुनः फिर से इसको चालू किया गया है। इसमें प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता को जो पार्टी का मिशन है और कार्यकर्ता अपने कर्तव्य के प्रति सशक्त रहें, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आवाज डेली एजी टीवी। धन्यवाद। HSH फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड एग्मा इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स कमर्शियल शॉप एंड रेजिडेंशियल फ्लैट्स। 3BHK फ्लैट्स अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। आउटसाइड लोकेशन इन बंगाली कॉलोनी एंड बंसीलाल चौक। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। आशा अपार्टमेंट, अ यूनिट ऑफ बालप्राडा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास 2BHK और 3BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखे, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण।
यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट, तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546029601 या फिर टोल फ्री नंबर 01142925001। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, KP कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है, साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि मेही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि मेही केक कॉर्नर से, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड, पेगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870-202420। तो पता याद रखें, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड, पेगोडा चौक, हजारीबाग। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वर्णलोक द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार, 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद।